ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। जीवन देने वाले हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, अनुग्रह एवं शांति सदा सर्वदा आपको एवं आपके परिवार के साथ रहे। ईश्वर का वचन जीवन देने वाला वचन है। इस पवित्र वचन में शांति और आनंद है, साथ ही साथ यह हमें शक्ति और बल देता है। यह हमें सच्चाई की राहों में चलने में हमारी मदद करता है, जो हमें आशा देता है कि हम आशक ही सफल होंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि द्वार तो खुला है, लेकिन वह संकरा है। संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। सुसमाचार बताता है कि जब यीशु ख्रीस्त यरूशलेम के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे कि किसी ने उनसे पूछा, गुरुवर, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? वह व्यक्ति स्वर्ग जाने वालों की संख्या एवं उस पे जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी चाह रहा था, पर संख्या जानने के बजाय प्रभु के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह वास्तव में स्वर्ग जाने की रुचि रखता हो। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वर्ग जाने का द्वार संकरा है, लेकिन वह प्रतिबंधित नहीं है। प्रभु यीशु के अनुसार यह द्वार सबके लिए खुला हुआ है। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ संकरा है। संकरे रास्ते से ही कोई स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता है। पुराने विधान में अधिकतर यहूदियों ने स्वर्ग को बहुत हल्के में लिया। बहुतों का ये मानना था कि जो बहुत ही बुरे या बहुत ही खराब जिंदगी जीते हैं, उन्हें छोड़ सभी यहूदी स्वर्ग जाएंगे। वे हमेशा अपने आप को स्वर्ग राज के अधिकारी समझते थे, सिर्फ इसलिए कि वे यहूदी थे। वे बड़े ही घमंड से कहा करते थे कि अब्राहम हमारे पिता है। कभी कभी हम ख्रिस्ते भाई बहन भी अपने आप को पुराना विधान के लोगों के समान ही समझते हैं और खुद को स्वर्ग राज का अधिकारी समझते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि जो भी उसकी वाणी को, जीवित वाणी को सुनकर अपने जीवन द्वारा उसका जवाब नहीं देता है, तो उसका उद्धार नहीं होगा। परंतु उसका निर्णय बड़ी ही कठोरता एवं क्रूरता से लिया जाएगा। हाँ मेरे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने पहचाने। ईश्वर की ओर से मुक्ति या स्वर्ग राज का द्वार सबके लिए खुला है, पर वह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वह हर एक व्यक्ति को मुक्ति का कार्य स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन सवाल उठता है कि मुक्ति पाने या ना पाने का अभिप्राय क्या है? मुक्ति प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर के साथ अपना भावी जीवन जीना, ईश्वर का वास्तविक रूप देखना, उनके साथ अपना जीवन साझा करना। मुक्ति प्राप्त न करने का मतलब है ईश्वर की उपस्थिति में शामिल ना होना, उनके जीवन से वंचित रह जाना और बिना आशा के उनके आनंद से दूर रहना। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारा ईश्वर चाहता है कि हम सभी मुक्ति प्राप्त करें। जो चाहते हैं कि हम सब उनके राज में उनके साथ रहें, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त इस पापी जगत में,
इस दुनिया में आए ताकि हम मानव मुक्ति पा सकें। इसी कारण प्रभु यीशु ने हमें क्षमा तथा पवित्र आत्मा में जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। प्रभु यीशु ख्रीस्त के संसार में आने का मुख्य उद्देश्य था कि हम सभी को स्वर्ग में तथा पिता परमेश्वर के साथ नया जीवन ले। आगे यीशु स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सब एक आध्यात्मिक चौराहे पर खड़े हैं और हमारे सामने दो रास्ता है, चौड़ा रास्ता और संकरा रास्ता। चौड़ा रास्ता नरक का प्रतीक है और संकरे रास्ता स्वर्ग का प्रतीक है, जो बहुत ही कठिन प्रतीक होता है, पर यह रास्ता हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। बाइबल के विद्वान विलियम बर्के कहते हैं कि संकरा रास्ता कठिन है, चौड़े सड़क आसान है, जो आपको संसारिक मोह माया की ओर ले जाता है, और संकरा रास्ता कांटों से भरा है। इसलिए इब्राहिम के नाम से लिया गया आज का पाठ जीवन के मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वालों के लिए अनुशासन की अपेक्षा जाहिर करता है। पाठ कहता है, मेरे पुत्रों, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उनकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे गोली लगाता है। तो आइए हम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बने जो इस वचन को अपने मन वचन एवं कर्म से ईश्वर से जुड़े हों, जो अपने लिए ईश्वर में पूंजी जमा करते हैं। अतः हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके। आमीन। जय यीशु।